ओमनी द ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग की कहानी है जिसका नाम ओमनी है। इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं ओमनी, ऑस्लो, ओलिव। ओमनी द ऑस्ट्रिच लिव्ड इन अ टाउन कॉल्ड ऑस्कर। जो ओमनी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग था वो एक शहर में रहता था जिसका नाम ऑस्कर था। ही हैड अ शॉप, उसकी एक दुकान थी। ओमनी सोल्ड स्वीट एंड सॉर ऑरेंजेस एंड आइस कोल्ड पॉपसिकल्स। जो ओमनी था वो खट्टी और मीठे संतरे बेचता था, आइस कोल्ड पॉपसिकल बेचता था, बर्फ के ठंडे पॉपसिकल बेचता था। ऑन अ हॉट समर डे एन ऑटर एंड एन ऑक्स केम टू ओमनीज शॉप। बहुत गर्मियाँ थी और एक गर्म दिन वाले दिन एक ऑटर और एक ऑक्स ओमनी की शॉप में आए। द ऑटर्स नेम वॉज ओली। जो ऑटर था उसका नेम ओली था। वाइल द ऑक्स वॉज कॉल्ड ओस्लो। जो ऑक्स था उसे ओस्लो कहा जाता था। ये ऑक्स हैं और ये उदबिलाव ऑटर है। द ऑटर्स नेम वॉज ओली। ऑटर का नाम ओली था। वाइल द ऑक्स वॉज कॉल्ड ओस्लो। जबकि बैल को ऑक्स को ओस्लो पुकारा जाता था, ओस्लो कहा जाता था। Olive and Oslo were very hungry and did not have money. Oslo और Olive बहुत ही भूखे थे और उनके पास पैसे नहीं थे। They were very sad. वो बहुत उदास थे। They did not have money. उनके पास पैसे नहीं थे। Omni gave them oranges and popsicles to eat. Omni ने उन्हें संतरे और popsicles खाने के लिए दे दिए। जो popsicles होते हैं ना, it is a आइस लॉली, मीन्स कि जो जमी हुई कुल्फी होती है हमारी, जिसमें स्टिक्स होती है, स्टिक लगी होती है नीचे, उसे पॉप्सिकल कहते हैं। दे वर हैप्पी एंड एट क्विकली। वो बहुत खुश थे और उन्होंने फटाफट खा लिया। ओलिव एंड ओस्लो थैंक्ड ओमनी एंड सेड दैट ही वॉज वेरी काइंड। ओलिव और ओस्लो ने ओमनी को शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम बहुत दयालु हो। सिंस देन ओमनी ओलिव एंड ओस्लो बिकेम गुड फ्रेंड्स। उसी दिन से ओमनी ओलिव और ओस्लो अच्छे मित्र बन गए। अब ये कुछ वर्ड्स हैं। स्वीट सॉर, मीठा खट्टा, कोल्ड हॉट ठंडा गर्म, हैप्पी सैड खुश उदास। हमारी फीलिंग्स कैसी होती है ये देखिए। हंगर, हमें भूख लगी होती है। सैडनेस, उदासी होती है हमारे मन में। हैप्पीनेस, खुशी।